गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं नीलम चारूंगा। आज का हमारा टॉपिक है साधारण जोड़। आज हम सीखेंगे साधारण जोड़ कैसे करते हैं। साधारण जोड़ क्या होता है, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में अंकों को जोड़ना या योग करना भी कहते हैं। तो साधारण जोड़ का निशान होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्लस। क्या बोलते हैं? प्लस। तो साधारण जोड़ सीखने के लिए या फिर प्लस करना सीखने के लिए हमको सबसे पहले 1 से 20 तक के अंकों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 1 से 20 तक के अंकों का हमें पूर्ण अभ्यास अच्छे से याद होना चाहिए, पूर्ण अभ्यास हमको होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि साधारण जोड़ कैसे की जाती है। मैं बोर्ड पे कुछ अंक लिख रही हूँ और उनके साथ प्लस का निशान लगा रही हूँ और नीचे एक नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ी। तो सबसे पहले मैंने ऊपर कितने लिखे हैं? 5। कितने लिखे हैं? 5। नीचे कितने लिखे हैं? 3। तो हम इस साधारण जोड़ करना सीख गए हैं, तो उसके लिए अगर क्या करेंगे, ऊपर 5 लिखे हुए तो हम 5 लाइन बनाएंगे। आप भी मेरे साथ गिनोगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब नीचे कितने लिखे हुए हैं? 3। तो हम कितनी लाइन बनाएंगे? 3। 1, 2, 3। अब हमने 5 ऊपर लिखे हुए तो 5 लाइन बना ली, नीचे 3 लिखे हुए तो 3 लाइन बना ली। अब क्या करना है? अब हमें इन सारी लाइनों को जोड़ना है या इन सारी लाइनों को गिनना है। एक साथ इन सभी लाइनों को हम गिनेंगे, मेरे साथ आप भी गिनोगे। तो बोलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितनी लाइनें होगी? 8। तो हम इस खाली जगह में क्या लिखेंगे? कितने लिखेंगे? 8। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ऊपर कितने लिखे हुए हैं? जी, ऊपर और नीचे दोनों सेम लिखते हुए, दोनों ही कितने हैं? 4। तो ऊपर भी हम 4 लाइन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। और नीचे भी हम 4 लाइन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे, इन सभी लाइनों को गिनेंगे। तो आप भी गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे भी अपन को कितने मिले? 8। तो हमने यहाँ पे लिख दिए 8। एक और हम जोड़ देखते हैं। तो अब आप बताइए, मैंने ऊपर कितने लिखे हैं? जी हाँ, मैंने ऊपर कितने लिखे हुए हैं? 6। तो हम कितनी लाइन बनाएंगे? 6 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे कितने लिखे हुए? बिल्कुल सही, नीचे मैंने लिखे हैं 3। तो हम कितनी लाइन बनाएंगे? 3, 1, 2, 3। अब हमको क्या करना है, हमने 6 लाइन भी बना ली, 3 लाइन भी बना ली। अब हम क्या करेंगे? जी, हम सारी लाइनों को एक साथ गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमको कितने मिले? 9। तो हम इस खाली जगह में कितने लिखेंगे? 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम साधारण जोड़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने साधारण जोड़ करना सीखा। अब मैं आपको कुछ और जोड़ डालूंगी नीचे, जो आपको खुद से करना है, अभ्यास करना है और सीखना है। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ जोड़ डाली जिसको आपको सॉल्व करना है, इसके उत्तर निकालने हैं। फिर हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि जो आपने इसके उत्तर निकाले हैं, इनको हल किया है, जो उनके आंसर आया है वो सही है या गलत है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको उसके उत्तर बताऊंगी। तब तक आपको इनको अपने घर पे प्रयास करना है, अभ्यास करना है। थैंक यू।